एपिसोड शुरू होता है और हम यान को देखते हैं जो कि हैशी ग्रुप का सीईओ है और उसका एक छोटा सा बेटा भी है जिसका नाम बाओ है। बाओ बहुत ही क्यूट है और वो अपने फादर की तरह एकदम सेम ड्रेसिंग करता है। जिसके बाद हम हान को एक इवेंट में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था। प्रेजेंटेशन देने के बाद एक रिपोर्टर उसे सवाल करती है कि सोशल मीडिया पर र्यूमर्स फैल रहे हैं कि आपने अपनी सेक्रेटरी के साथ शादी की थी और आपका एक बेटा भी है, जो सुनकर हान को गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता है और कहता है कि मेरे बेटे का अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसीलिए आप लोग मेरी वाइफ को सेक्रेटरी कहकर ना बुलाएं। जिसके बाद हम यो को देखते हैं जो कि जियांग और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। दरअसल यू एक साइकोलॉजिस्ट है और वो पहले जियांग की गर्लफ्रेंड थी। यू जियांग की गर्लफ्रेंड को सच्चाई बताती है कि मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया था, यहाँ तक कि उसे स्टडीज करने के लिए अब्रॉड भी भेजा, लेकिन एट लास्ट इसने मुझे धोखा ही दे दिया, इसीलिए अब तुम ही इस गार्बेज को संभालो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम बाओ को देखते हैं जो कि अपने फादर के ऑफिस का सारा सामान इधर उधर फेंक रहा था। तब सेक्रेटरी उसे समझाती है कि तुम्हारे फादर एक मीटिंग में है और वो थोड़ी ही देर में आ जाएंगे, पर बाओ उसकी एक नहीं सुनता। तभी हान वहाँ पर पहुँच जाता है और बाओ को डांटने लगता है, जहाँ हमें पता चलता है कि बाओ को साइकोलॉजिकल डिजीज है और वो बिल्कुल भी बात नहीं करता और उसके सारे डॉक्टर्स ने बाओ से तंग आकर रिजाइन दे दिया है, क्योंकि बाओ को संभालना उनके बस की बात नहीं थी। उसके फादर भी इस बात से काफी परेशान थे क्योंकि कोई भी डॉक्टर बाओ को ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा था, इसीलिए वो बाओ को अपने साथ ही रखता है। फिर हम यू को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड रुओ के साथ बाहर आई थी। रुओ उसे कहती है कि ब्रेकअप के बाद लड़कियां रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती हैं, लेकिन तुम तो काफी डिफरेंट हो क्योंकि तुमने काफी ड्रिंक किया और डांस भी किया। तभी रुओ उसे बताती है कि जियांग को हैशी ग्रुप की ओर से आउटस्टैंडिंग यूथ अवार्ड मिलने वाला है, जिस पर यू पूछती है कि ये अवार्ड क्या है, क्या उसे फर्स्ट क्लास चीटिंग आर्टिस्ट का अवार्ड मिलने वाला है। जिस पर रियो बताती है कि नहीं, उसे एकेडमिक रिसर्च अचीवमेंट्स रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुनते ही यू शॉक हो जाती है और कहती है कि वो रिसर्च 90% मैंने की थी। तब रियो उसे कहती है कि तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्योंकि ऐसे तो जियांग अकेले ही सारा क्रेडिट और फेम ले लेगा। अब वो गुस्से में जियांग से रिवेंज लेने के लिए निकल जाती है। इधर हम हान को देखते हैं जो कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, जहाँ बाओ भी उसके पास ही बैठा हुआ था और अपने फादर को काम में बिजी देखकर वो चुपचाप बाहर चला जाता है और लिफ्ट से होते हुए सबसे नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच जाता है। दूसरी ओर हान बाओ को वहां से गायब देखकर परेशान हो जाता है और उसे उधर उधर ढूंढने लगता है। वहीं बाओ अपने फादर के काफी सारे पोस्टर्स देखता है, जिन्हें देखकर वो उन पोस्टर्स पर स्टिकी नोट्स चिपकाने लगता है, जो देखकर सभी स्टाफ मैनेजर उसे घेर लेते हैं और उसे सवाल जवाब करने लग जाते हैं। लेकिन बाओ इन सब को इस तरह देखकर डर जाता है और काफी जोर जोर से चिल्लाते हुए भागने लग जाता है। इसी बीच उसके सामने एक ट्रोली आ जाती है और इससे पहले कि वो उसे टकरा पाता, यू उसे बचा लेती है। अब यू उसके साथ उसके कार्ड्स की हेल्प से बात करती है और उसे उसका नाम भी पता चल जाता है। वो उसे काफी अच्छे से ट्रीट करती है और उसे एज ए गिफ्ट एक हैंडकरचीफ और एक पंपकिन देती है। तभी बाओ को लेने के लिए यहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है, तो यू उसे कहती है कि इसके फादर को बोलना कि वो इसका अच्छे से ध्यान रखे। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन नीचे गिरने की वजह से वो डिजीनेस फील कर रही थी। तभी रास्ते में उसकी नजर हान पर पड़ती है, जो कि बाओ को ढूंढते हुए एक रूम के अंदर जाता है, जिसे देखकर यू उसे जियांग समझ लेती है और उसके पास आकर उसे पीटने लग जाती है, क्योंकि रूम में काफी अंधेरा था इसलिए यू हान का फेस नहीं देख पाती। इसी बीच यू उसे कहती है कि मैंने इस रिसर्च को लेकर इतनी मेहनत की, पर मेरे पास इसे प्रूफ करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं है, इसीलिए तुम अकेले ही सारा क्रेडिट लेना चाहते हो, पर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसकी ये सारी बातें हान नोट कर रहा था। फिर वो लाइट ऑन करता है तो यू उसका फेस देखती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर हान कहता है कि मारने से पहले तुम्हें क्यों नहीं दिखा। तभी यू पीछे की ओर मुड़ती है, लेकिन उसके बाल हान की टाई में फंसे हुए थे, जिस कारण से ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और इनका ये सीन हान के फोन में चल रही लाइव स्ट्रीमिंग में ऐड हो जाता है। पर फिर यू एक सीजर की मदद से अपने फंसे हुए बाल को काट देती है और हान को सॉरी बोलकर वहां से जाने लगती है। इसी बीच उसकी नजर जियांग पर पड़ती है, जो कि यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था, क्योंकि हान ही उसे अवार्ड देने वाला था, लेकिन यू उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम अवार्ड सेरेमनी को देखते हैं, जहां पर हान जियांग का नाम अनाउंस करने वाला था, लेकिन तभी उसे यू की बातें याद आती है और वो समझ जाता है कि इस अवार्ड का असली हकदार जियांग नहीं बल्कि यू है, इसलिए वो यहाँ पर किसी का भी नाम अनाउंस नहीं करता, जो देखकर सभी लोग गॉसिप करने लग जाते हैं। लेकिन हान सबको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर रात में हान कुछ साइकोलॉजिस्ट के रिज्यूम चेक करता है, जो कि उसकी सेक्रेटरी ने बाओ के लिए चूज किए थे। इनमें से एक साइकोलॉजिस्ट यू भी थी, जिसकी फोटो देखते ही हान उसकी फाइल को डंप कर देता है और अपने बेटे के पास आकर उसे सोने के लिए कहता है।
इसी बीच बाउ यू के दिए हुए हैंडकरचीफ को स्मेल करता है तो उसकी फ्रेग्रेंस उसे काफी फेमिलियर सी लगती है। रात में हान को एक सपना आता है जिसमें उसका एक्सीडेंट हो चुका था और एक लड़की उसके बेटे को लेकर वहां से जा रही थी। हालांकि हान उस लड़की को इशारा करके रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की वहां से चली जाती है। अगली सुबह हान का फ्रेंड वेंगू उसके पास आता है और उसे वो लाइव स्ट्रीम दिखाते हुए पूछता है कि ये लड़की कौन है, जिस पर हान कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये कौन है, बल्कि मैं तो इस बात से वरिड हूँ कि आप लोग इस लड़की को मेरी वजह से ट्रोल करेंगे। इसी बीच हान उसे डस्टबिन ट्रैश करने के लिए कहता है जिसमें यू की फाइल पड़ी हुई थी, जो देखकर वेंगू उससे और ज्यादा सवाल जवाब करने लगता है लेकिन हान उसे यहाँ से भगा देता है और खुद ही उस फाइल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। दूसरी तरफ रू यू को सोशल मीडिया पर वही वाली फोटोज दिखाती है जो कि किसी ने अपने अकाउंट पर पब्लिश करी हुई थी, जो देखकर यू काफी शॉक हो जाती है क्योंकि लोग सोच रहे थे कि शायद हान किसी लड़की को डेट कर रहा है। खैर आगे हान बियाओ को एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है और इस हॉस्पिटल में यू भी काम करती है। इसी बीच यू बाओ की चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वो फटाफट से उस रूम के अंदर पहुंचती है जहां एक नर्स बाओ को हैंडल नहीं कर पा रही थी, जो देखकर यू उसके पास जाती है और बाओ चिल्लाना बंद कर देता है। वो उसके साथ काफी अच्छे से कोऑपरेट कर लेती है, जिसके बाद एक छोटी लड़की बाओ की फ्रेंड बनने के लिए उसके पास आती है। वो उसके साथ बात करने की भी कोशिश करती है लेकिन बाओ बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। तभी यू वहां पर आ जाती है और उस लड़की को बाओ से दूर रहने के लिए कहती है। इसी बीच हान भी वहां पर आता है और यू को आंटी कहते हुए बाओ से पीछे हटने के लिए कहता है। अब ये दोनों एक दूसरे को यहां पर देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी हान यू को कहता है कि तुमने कल रात मेरे अगेंस्ट काफी सबटल प्लान बनाया था क्योंकि उस वीडियो से मेरी कंपनी पर काफी इम्पैक्ट पड़ा और मेरा काफी लॉस हो गया। ये कहते हुए वो यू को उस वीडियो के लिए ब्लेम करता है तो यू कहती है कि लॉस तुम्हारे अकेले का नहीं है बल्कि मेरा भी हुआ है और तुम्हारी वजह से मुझे तो अपने हेयर कट ही कराना पड़ गया। अब यहाँ हान उसे इस सब के बदले 2000 युआन देता है और बाओ को यहाँ से ले जाने लगता है, पर जाते जाते वो कहता है कि आगे से ऐसी आंटी से दूर ही रहना। खैर आगे ये दोनों यहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं तो रास्ते में बाओ यू की फोटो की तरफ इशारा करता है और उस हैंडकरचीफ को निकालकर स्मेल करता है। साथ ही साथ वो खुद को एक कार्ड भी देता है। दरअसल बाओ अपने फादर को ये बताना चाहता था कि वो हैंडकरचीफ यू ने ही उसे दिया था और उसकी ये बात हान समझ भी लेता है, जिसके बाद ये दोनों घर पर होते हैं जहाँ बाओ हान को यू के साथ स्केच बनाकर दिखाता है, जिससे हान समझ जाता है कि बाओ चाहता है कि वो उसके घर उसकी डॉक्टर बनकर रहे। जिसके अगले दिन सेक्रेटरी हान को यू की सारी इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि मैंने पहली बार बाओ को किसी स्ट्रेंजर पर्सन के साथ इतना क्लोज देखा था। फिर हान वेंगू के साथ मिलकर यू का बैकग्राउंड चेक करता है और ये दोनों इस बात से काफी ज्यादा क्यूरियस थे कि आखिर बाओ ने उस लड़की में ऐसा क्या देख लिया। हान वेंगू को कहता है कि उस लड़की में जरूर कुछ ना कुछ तो स्पेशल है। फिर वो बाओ के पास जाता है और कहता है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा बेटा है और आखिर में वो यू के पास पर्सनल डॉक्टर का प्रपोजल सेंड कर देता है, जिसके अगले दिन सेक्रेटरी हान को बताती है कि उस डॉक्टर ने आपका प्रपोजल रिफ्यूज कर दिया है। ये सुनकर हान सोच में पड़ जाता है और जब वो इस बारे में वेंगू को बताता है तो वेंगू यू के पास सेंड करने के लिए एक मेल टाइप करता है। हालांकि हान उसे रोकता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और मेल सेंड कर देता है, पर यू उनके मेल का भी कोई रिप्लाई नहीं करती, जिसके बाद हान उसके पास खुद कॉल करता है और उसे अपनी कंपनी में आने के लिए इनवाइट करता है। पर यू को ऐसा लगता है कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है और वो फ्रॉड कॉल समझकर कॉल कट कर देती है। जिसके अगले सीन में हान यू के हॉस्पिटल जाता है और उसे काफी पैसे ऑफर करके उसे उसका पर्सनल डॉक्टर बनने के लिए कहता है, लेकिन यू उसका ऑफर रिफ्यूज करते हुए कहती है कि मैं आपकी पर्सनल डॉक्टर नहीं बन सकती क्योंकि मैं फुल टाइम काम करती हूँ और वैसे भी हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। हालांकि हान उसे कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन यू उसकी एक नहीं सुनती और उसे यहाँ से जाने के लिए कह देती है। अब हान डिसअपॉइंट होकर वापस से घर आता है और वेंगू को सारी बातें बताता है, जो पता लगने पर वेंगू कहता है कि वो कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, इसीलिए शायद तुम्हें उसे अपनी ओर करने के लिए काफी कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद वेंगू उसे कुछ आइडियाज देता है और उसके कहने पर हान सबसे पहले यू के पास काफी सारे गिफ्ट सेंड करता है, लेकिन उसका पहला ही अटेम्प्ट फेल हो जाता है क्योंकि यू उसके दिए हुए गिफ्ट से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती। जिसके बाद हान अपनी गाड़ी से यू का पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यू तो उसे इग्नोर करते हुए भागे जा रही थी। तभी यू एक नैरो स्ट्रीट में पहुंच जाती है और हान उस स्ट्रीट की दूसरी साइड पहुंचकर उसे रोक लेता है, जो देखकर यू उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे एड्रेस के बारे में कैसे पता चला, तो हान कहता है कि मुझे इस बारे में तुम्हारे रिज्यूम से पता चला। तभी इन्हें किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। ये सुनते ही यू हेल्प करने के लिए जाती है जहाँ कुछ बदमाश एक लड़की को हैरास कर रहे थे। ये देखकर यू इन सब पर अटैक कर देती है। तभी पीछे से हान भी आ जाता है और इन सबको पीट कर यहाँ से भगा देता है। इसी बीच हान के हाथ में चोट भी लग जाती है, इसीलिए यू उसके हाथ पर बैंडेज लगाती है और उसे एक लॉलीपॉप देकर चली जाती है। अगले दिन हान एक मीटिंग कर रहा था जिस दौरान वो अपने फोन में केक की फोटो देखता है।
ये देखकर वो सोचता है कि शायद उसे यू को एक केक देना चाहिए, जिसके बाद वो घर आता है और अपने हाथों से यू के लिए केक बनाता है और वो इस केक में यू का स्केच भी बना देता है। फिर वो बाओ के साथ यू को केक देने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ यू उस केक को देखकर खुश हो जाती है। इसी बीच यू गन शूटिंग गेम ट्राई करती है, लेकिन वो पॉइंट को टारगेट नहीं कर पाती, इसीलिए हान उसकी हेल्प करता है और वो एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जिसके अगले दिन हान अपनी कंपनी के हेल्थ ब्रेसलेट्स को चेक कर रहा था, जिन्हें उसकी कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया था। तभी वहां पर वेंगो आ जाता है, जो कि उन ब्रेसलेट्स को देखकर कहता है कि आई थिंक इन ब्रेसलेट्स को हार्ट ऑफ लव कहते हैं, जिस पर हान कहता है कि हाँ, ये लवर्स के लिए हैं और हमारी कंपनी ने इन्हें रिसेंटली लॉन्च किया है। इधर यू को पता चलता है कि जल्दी ही बाओ का बर्थडे आने वाला है, जिसके बाद हान बाओ के साथ हॉस्पिटल आता है। लेकिन आज बाओ का मूड ऑफ लग रहा था, तो यू उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई बर्थडे विश है। लेकिन ये सुनते ही बाओ काफी सैड हो जाता है और उसे दो टॉय कार्स को टकरा कर दिखाता है। दरअसल बाओ उसे एक एक्सीडेंट के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर हान उसके पास आता है और उसे हक करते हुए कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर हान यू को बताता है कि 5 साल पहले बाओ के बर्थडे वाले दिन हमारा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें बाओ की मदर की डेथ हो गई और उसी दिन से बाओ स्ट्रेस में आ गया और उसने हंसना बोलना सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम उसे ठीक कर दोगी, ताकि वो पहले की तरह अपनी लाइफ में खुश रह सके। ये सब पता लगने के बाद यू कहती है कि हम बाओ का स्ट्रेस कम करने के लिए उसके बर्थडे पर एक पार्टी अरेंज कर सकते हैं, और मैं भी इस वीकेंड फ्री हूँ, इसलिए हम मिलकर उसके लिए पार्टी अरेंज करेंगे। जिसके बाद यू घर आकर इस बारे में रो को बताती है और अब वो बाओ की डॉक्टर बनने के बारे में भी सोच रही थी। अगले दिन यू हान के पास जाती है, जहाँ सबसे पहले हान उसे एक एग्रीमेंट पर साइन करवाता है। फिर रात में हान यू को घर ड्रॉप करने के लिए जाता है, जिस दौरान यू गाड़ी के अंदर ही सो जाती है, जो देखकर हान उसके हाथ में अपनी कंपनी का ब्रेसलेट पहना देता है। पर तभी यू जाग जाती है और उसे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर हान कहता है कि ये हेल्थ ब्रेसलेट मेरी कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है, जो कि खास लवर्स के लिए बना है, और मैं इसे एज ए सैंपल तुम्हें दे रहा हूं, ताकि तुम इसे यूज करने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सको। फिर वो उसे उसके घर ड्रॉप करता है। अगली सुबह यू को फीवर हो जाता है, वहीं हान अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था, जिस दौरान उसका ब्रेसलेट एक साइन देता है, जो देखकर हान मीटिंग से 5 मिनट का ब्रेक लेता है और यू के पास कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। ये सुनते ही यू शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो हान उसे बताता है कि मुझे इस बारे में तुम्हारी रिस्ट में मौजूद ब्रेसलेट से पता चला। दरअसल ये ब्रेसलेट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसीलिए हान का ब्रेसलेट यू के ब्रेसलेट से अटैच्ड है और यही कारण है कि इस ब्रेसलेट का नाम लवर ब्रेसलेट है। अब रात में हान यू को लेने के लिए उसके घर जाता है, क्योंकि आज ही तीनों डिनर के लिए जाने वाले थे, लेकिन यू हान की कॉल अटेंड नहीं करती, जो देखकर हान उसे चेक करने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन उसकी डोर पर पासवर्ड लगा हुआ था। इधर यू को काफी ज्यादा फीवर हो गया था और वो बाथटब के अंदर अनकॉन्शियस कंडीशन में पड़ी हुई थी। तब किसी तरह हान उसके घर का डोर ओपन करता है और अंदर जाता है, जहाँ जैसे ही वो वॉशरूम में चेक करने के लिए जाता है, तो यू उसके सामने हाफ क्लोथ्स में खड़ी हुई थी, जो देखकर हान अपना फेस घुमा लेता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन यू की तबीयत इतनी खराब थी कि वो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तभी हान कहता है कि मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। ये कहकर वो बाहर जाता है और गलती से डोर लॉक कर देता है। हालांकि वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता और बाहर आकर कानों में ईयरफोन्स लगाकर किसी से बात करने लग जाता है। फिर किसी तरह से यू लॉक तोड़कर बाहर निकलती है और सीधा हान के ऊपर आकर गिर जाती है, जिसके बाद हान उसे उसके रूम में लेकर जाता है और उसका टेम्परेचर चेक करता है। इसी बीच हान उसके रूम की हालत देखकर बोलता है कि ये एक डॉक्टर है, पर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया भी इसी के रूम में है, और इससे अच्छा तो बाओ है, कम से कम वो अपने रूम को साफ सुथरा तो रखता है। फिर जब हान उसकी बेडशीट को सही करने लगता है, तो वो गलती से उसके ऊपर आ जाता है। तभी यू की आंख खुल जाती है और वो हान का फेस पकड़कर उसे फ्लाई किस करती है, क्योंकि यू अभी भी अनकॉन्शियस कंडीशन में थी। फिर हान यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह यू की आंख जब खुलती है, तो वो अपने बगल में बाओ को सोता हुआ देखती है। तभी हान भी वहाँ पर आ जाता है, तो यू उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर हान कहता है कि बाओ ने पूरी रात जाकर तुम्हारी देखभाल की और अब उसे आराम से सोने दो। जिसके बाद यू रूम से बाहर निकल जाती है और अपने घर को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि हान ने रात भर जाकर उसका घर अच्छे से क्लीन कर दिया था और उसने उसके डोर लॉक को भी अच्छे से फिक्स कर दिया था। इसी बीच यू को याद आता है कि हान ने लास्ट नाइट उसे हाफ कपड़ों में देख लिया था और उसने उसे फ्लाइंग किस भी की थी। ये सब सोचकर वो काफी एम्बैरस फील करती है और उसे पूछती है कि क्या तुमने मेरे कपड़े भी चेंज किए थे, जिस पर हान हाँ कह देता है, जो सुनते ही यू शॉक हो जाती है और कहती है कि फिर तो तुमने सब कुछ देख लिया होगा। अब इससे पहले कि हान उसे इस बारे में एक्सप्लेन करता, यू एक नाइफ उठा लेती है और उसे इस बारे में बात करने से मना कर देती है।
तभी बाओ भी वहां पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर यू कहती है कि सॉरी, कल रात मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी विश को पूरी करूंगी। तो बाओ उसे लिखकर बताता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मॉम बन जाओ। ये देखकर यू शॉक हो जाती है और इस बात को एक जोक समझकर इग्नोर करने लगती है, पर तभी वो कहती है कि ठीक है, तुम मुझे मॉम कहकर बुला सकते हो। फिर हान बाओ को चलने के लिए कहता है तो यू उसे रोक कर कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। हालांकि हान उसे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन यू उसकी बात नहीं सुनती। फिर रात को हान बाओ के रूम में जाता है, जहां पर बाओ ने एक पिलो पर यू का कार्टून बनाया हुआ था और वो उसके बगल में बैठा हुआ था। बाओ उसे कहता है कि मुझे मॉम चाहिए, जिस पर हान कहता है कि तुम खुद ही उसे इस बारे में बात क्यों नहीं कर लेते। लेकिन ये सुनते ही बाओ को गुस्सा आ जाता है। खैर, अगले दिन ये दोनों काफी अच्छे से रेडी होकर यू के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। तभी यू अपने काम पर जाने के लिए निकलती है तो वो इन दोनों को इस तरह देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है। हान उसे बताता है कि आज तुम पूरे दिन बाओ के साथ ही बिताओगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी आज की सारी अरेंजमेंट्स कर दी है, बल्कि आज हॉस्पिटल का सारा काम डॉक्टर हुआंग संभालेंगे। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि बाओ ने पहले ही हान के फ्रेंड वेंगू से यू के बारे में बात की थी कि वो उसे अपनी मॉम बनाना चाहता है। तो वेंगू ने उसे बहुत सारे आइडियाज बताए थे, जिन सब आइडियाज को बाओ आज यूज करने वाला था। अब प्लान के अकॉर्डिंग बाओ यू और हान को एक गेम जोन में लेकर जाता है और उन्हें वहां पर रूम एस्केप में भेज देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो दोनों वहां पर 2 घंटे के लिए साथ में रहेंगे तो शायद उन दोनों की कुछ बात बन जाएगी। लेकिन वो दोनों तो 10 मिनट के अंदर ही रूम एस्केप से बाहर आ जाते हैं। अब बाओ का पहला आइडिया तो फेल हो जाता है। फिर वो इन दोनों को थ्रिल रूम के अंदर भेजता है, लेकिन यू वहां पर भी डरती नहीं है, बल्कि वो तो वहां पर मौजूद फेक गोस्ट को मारकर भगा देती है, जिस कारण से बाओ का दूसरा प्लान भी फेल हो जाता है। फिर आगे ये तीनों पिकनिक के लिए एक दूसरी जगह पर जाते हैं, जहां रास्ते में बाओ वेंगू के पास कॉल करके उसे वहां पर आने के लिए बोलता है, जिसके बाद ये तीनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां बाओ अपना एक टॉय जानबूझकर दूर फेंक देता है। तो जब यू उसे लेने के लिए जाती है तो वो अपने फादर को बोलता है कि मुझे ठंड लग रही है, इसीलिए अब हान भी उसके लिए कार से जैकेट लेने के लिए जाता है। तो बाओ की नज़र वेंगू पर पड़ती है, जो कि वहां पर पहुंच चुका था, और वो मौका देखकर यहां से उसके साथ चला जाता है। ये दोनों गाड़ी के पास आकर साथ में एक फोटो क्लिक करते हैं और वेंगू उस फोटो को हान को सेंड कर देता है। फिर ये दोनों पिकनिक का सारा सामान वहां पर रखकर गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। दरअसल इनका प्लान ये था कि हान और यू इस जगह पर साथ में रात बिताए और ये दोनों किसी तरह से एक दूसरे के क्लोज आ जाए। इधर यू और हान दोनों बाओ को ढूंढ रहे थे। इसी बीच हान अपने फोन पर उन दोनों की फोटो देखता है और वो समझ जाता है कि बाओ वेंगू के साथ है। तभी यू पानी में बाओ की कैप देती है। ये देखकर उसे लगता है कि शायद बाओ पानी के अंदर डूब रहा है और वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन हान उसे फोटो दिखाते हुए कहता है कि बाओ बिल्कुल सेफ है, जिसकी बात ये दोनों सड़क पार जाते हैं। लेकिन वहां से इनकी गाड़ी गायब थी और सारा सामान बाहर रखा हुआ था। इन दोनों के फोन्स भी पानी में भीगने की वजह से खराब हो चुके थे, जिस कारण से ये लोग उनके पास कॉल नहीं कर सकते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों ने रात बिताने के लिए एक टेंट लगाया हुआ था और दोनों टेंट के बाहर बैठे हुए थे। तभी हान यू को कपड़े चेंज करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके कपड़े कुछ ज्यादा ही भीग चुके थे। फिर वो कपड़े चेंज कर लेती है, जिसके बाद ये नूडल्स खाती है और हान को भी खाने के लिए कहती है, लेकिन हान कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है। पर तभी उसे भी भूख लगने लग जाती है और चॉपस्टिक उठाकर वो भी नूडल्स खाने लग जाता है। इसी बीच हान उससे पूछता है कि तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना ही पानी में छलांग क्यों लगा दी, जिस पर यू कहती है कि मैंने सोचा कि बाबू सच में पानी के अंदर डूब रहा है और उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं समझ आया, इसलिए मैंने उसे बचाने के लिए सीधा लेक के अंदर छलांग लगा दी। वैसे भी बाऊ मुझ पर बहुत ही ट्रस्ट करता है, इसीलिए अगर मैं ऐसा ना करती तो मुझे बाद में बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता। फिर वो उससे पूछता है कि तुमने बाऊ को ये क्यों कहा था कि वो तुम्हें मॉम कहकर बुला सकता है, जिस पर यू कहती है कि वो सिर्फ एक जोक था, क्योंकि बाओ की अपनी मॉम भी है। ये सुनते ही हान का चेहरा उतर जाता है और वो उसे कहता है कि तुम थक गई होगी, इसीलिए जाकर सो जाओ। फिर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेट कर सो जाते हैं, जिसके अगले दिन जब यू वापस से घर आती है तो रू उससे पूछती है कि तुम इतनी लेट वापस क्यों आई हो, जिस पर यू उसे बताती है कि मैं बाओ के साथ पिकनिक पर गई थी, जहां मुझे नाइट स्पेंड करनी पड़ गई थी। ये सुनते ही रू स्माइल करते हुए पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ मिस्टर हान भी था, जिस पर यू हां में इशारा करती है। इसी बीच रू उसे बताती है कि हान ने उस दिन ज़ियांग को अवार्ड नहीं दिया था। ये सुनते ही यू शॉक हो जाती है और सोचती है कि हान को सच में याद था कि उसने उसे क्या कहा था। खैर, आगे यू जब हॉस्पिटल जाती है तो वो रास्ते में ज़ियांग से टकरा जाती है। ज़ियांग उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यू कह देती है कि मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करती।
तभी वहाँ पर जियांग की गर्लफ्रेंड क्विन भी आ जाती है, जो कि ह्यू को एक पार्टी में इनवाइट करती है। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि उस पार्टी में मेरे फादर जियांग को प्रमोट भी करेंगे, जिस पर ह्यू इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है और कहती है कि मैं वहाँ पर जरूर आऊंगी। अगले सीन में यू अपनी दोस्त रो के साथ ड्रेस खरीदने के लिए मॉल जाती है, जहाँ रो उसके लिए बहुत ही अच्छी ड्रेस चूज करती है। इधर हम हान और बाओ को देखते हैं, जो कि दोनों पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे थे, जिसके बाद यू पार्टी में पहुंचती है, जहां उसकी कलीग्स उसकी लुक को देखकर उसकी काफ़ी तारीफ करती है। पर तभी क्विन भी वहां पर आ जाती है और यू को उसकी ड्रेस के कारण ह्यूमिलेट करने लगती है, क्योंकि उसे उसकी ड्रेस पर लगे टैग से पता चल गया था कि यू ने यहां पर आने के लिए अभी अभी इस ड्रेस को खरीदा है। खैर, आगे क्विन के फादर जियांग को प्रमोट करते हैं, तभी जियांग भी यहाँ पर सभी को आने के लिए और सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बोलता है। इसी बीच हान भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर क्विन जियांग के हाथ से माइक ले लेती है और हान और यू के रिलेशनशिप को लेकर यू को पॉइंट आउट करती है, जिस बात को लेकर सभी लोग गॉसिप करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर हान क्विन के हाथ से माइक ले लेता है और सबके सामने यू को प्रपोज कर देता है। और इस बार यू भी उसका प्रपोजल रिफ्यूज नहीं करती, फिर वो उसे रिंग पहनाता है और साथ ही साथ वो उसे किस भी कर देता है, जिसके बाद यू वापस से अपने घर आ जाती है, जहां रोज की डायमंड रिंग को देखकर काफी खुश होती है। अब यहां में फ्लैशबैक की सीन से पता चलता है कि पार्टी के दौरान जियांग को जेलस फील करवाने के लिए हान ने यू को उसकी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कहा था, इसलिए यू ने भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। और अगर हान पार्टी में ऐसा नहीं करता तो यू को सबके सामने काफी एम्बेरस होना पड़ता। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि जब इन दोनों ने किस की थी तो हान ने लिप्स के बीच में अपनी फिंगर रख दी थी, लेकिन सब लोगों को ये लगा था कि इन दोनों ने रियल के अंदर किस की है। इधर हान बाओ को सोने के लिए कहता है और उसके हाथ से टैबलेट लेकर देखता है कि बाओ ने प्रपोजल के दौरान इन दोनों की फोटो ले ली थी और वो तो बस इसे ही देखता जा रहा था। दूसरी ओर यू भी नहाते टाइम उस रिंग को देखती ही जा रही थी और जैसे ही वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है तो उसके हाथ से वो रिंग छूट जाती है। तभी रू उसके पास आ जाती है तो यू उसे बताती है कि मेरी डायमंड रिंग कहीं पर गिर गई है। ये सुनते ही रू शॉक हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों उस रिंग को पूरे वॉशरूम में ढूंढते हैं, लेकिन इन्हें वो रिंग कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर रू उसे बताती है कि सोशल मीडिया पर तुम्हारे और हान के बारे में गॉसिप चल रही है, लेकिन यू को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो सिर्फ रिंग को खोने के शौक में थी। इसी बीच उसके पास हान की कॉल आती है, जो कि उसके साथ बाओ की अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है और साथ ही साथ उसे एक प्रोजेक्ट अवार्ड के बारे में भी बताता है, लेकिन इससे पहले यू उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछती वो कॉल कट कर देता है। तभी हान के पास फेंगू आता है, जो कि उससे पार्टी वाली फोटोज दिखाकर पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर वो कहता है कि ये सब सच है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक मेरे बारे में क्या सोचेगी, बल्कि मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए यू से शादी करनी है। दूसरी तरफ यू भी अपने हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां काफी डेकोरेशंस की जा रही थी, जो देखकर यू और उसकी कलीग जियाओ काफी शॉक हो जाती है। फिर जियाओ कहती है कि शायद आज हान सबके सामने अपनी लव को शो करने वाला है। इसी बीच जियांग भी अपनी गर्लफ्रेंड क्विन के साथ वहां आ चुका था और वो भी ये नजारा देख लेता है, लेकिन इन दोनों को देखते ही यू और जियाओ यहाँ से जाने लगती है, जिस दौरान उसकी टक्कर हान से हो जाती है, जो कि वेंगू और बाओ के साथ यहाँ पर आ रहा था। अब यू हान को कहती है कि ये सब क्या है और सोशल मीडिया पर ये क्या न्यूज फैली हुई है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रपोजल और किस तो फेक थी, जिस पर हान कहता है कि वो किस फेक थी लेकिन वो प्रपोजल सच्चा था। ये सुनते ही यू कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, हम दोनों को मिले हुए सिर्फ 5 दिन ही हुए हैं, जिस पर हान कहता है कि शायद तुम इस बात से डर रही हो कि कहीं शादी के बाद तुम मेरे प्यार में फेल ना हो जाओ, जिस पर यू कहती है कि मेरा नाम यू है और मैं तुम्हारे लव में फेल हो जाऊँ ये कभी नहीं हो सकता। तभी हान उसे किस करने की कोशिश करता है तो यू उसे पीछे करके यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी हान कहता है कि अब सबको पता चल गया है कि तुम मेरी फियांसे हो। ये सुनते ही यू रुक जाती है और वापस आकर उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है कि तुम मेरे मिस्टर राइट नहीं हो, जिस पर हान कहता है कि तुम भी मेरी मिस राइट नहीं हो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट बाओ है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं, जो कि जियाओ के साथ नहा रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि किसी ने उन दोनों के कपड़े उठा लिए हैं, जो देखकर वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। तभी बाकी के डॉक्टर्स भी इन्हें इसी हालत में देख लेते हैं और यहाँ से एम्बेरस होकर चले जाते हैं, लेकिन तभी हान और यू बाओ को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और ये लोग भी इन दोनों को इस तरीके से देख लेते हैं, जो देखकर हान समझ जाता है कि ये हरकत वेंगू और बाओ ने की है, इसीलिए वो वेंगू के पास जाकर उसे डांट लगाता है। अब रात में यू घर जाकर रू को पूछती है कि क्या तुम्हें वो रिंग मिल गई, जिस पर वो नाम में इशारा करती है, इसीलिए अब वो नई रिंग खरीदने के बारे में सोचती है, लेकिन डायमंड रिंग काफी एक्सपेंसिव थी।
दूसरी तरफ हान बाओ को उसकी हरकत के लिए डांट रहा था। तभी वेंग गुहान के पास आता है और बताता है कि मेरे फादर तुम्हारी मैरिज अनाउंसमेंट से काफी इंस्पायर्ड हुए हैं और अब वो मुझे भी ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। वहीं अगले दिन यू सोचती है कि उसे अपने रिलेशन के बारे में अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए। तभी उसकी नज़र एक कैट पर पड़ती है जो कि एक पेड़ पर फंस गई थी। अब यू उसकी हेल्प करने लगती है और वो अपना ब्रेसलेट हाथ से निकाल कर अपनी जेब में रख लेती है ताकि वो पेड़ में फंस कर टूट ना जाए, लेकिन कैट को उतारते टाइम वो ब्रेसलेट जेब से नीचे गिर जाता है जिस कारण से हान के पास नोटिफिकेशन चली जाती है और वो यू के पास कॉल करता है, लेकिन यू का फोन बंद आ रहा था जो देखकर वो परेशान हो जाता है और यू को चेक करने के लिए उसके घर की ओर निकल जाता है। इधर यू की मुलाकात उसके ब्रदर फांग से होती है जो कि अभी अभी अब्रॉड से आया था और वो भी एक डॉक्टर था। खैर आगे ये दोनों बातें करते करते यू के घर की ओर जाने लगते हैं तो रास्ते में हान इन दोनों को साथ में देख लेता है जो देखकर वो तुरंत गाड़ी से बाहर आता है और यू को उसका ब्रेसलेट वापस पहनाता है। साथ ही साथ वो ये भी पूछता है कि ये पर्सन कौन है, जो सुनते ही फांग खुद को हान से इंट्रोड्यूस करवाता है और हान उसे बताता है कि ये मेरी फियांसे है। फिर वो यू को कहता है कि तुम मेरी इमेज का ध्यान रखा करो क्योंकि तुम बाओ की मदर हो और तुम्हें दूसरे लोगों से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है। ये कहकर वो वापस से अपनी कंपनी में आ जाता है जहाँ उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि यूके हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी उसके बारे में गॉसिप करते हैं। ये पता लगने पर हान हॉस्पिटल जाता है और वहाँ की दो डॉक्टर्स को डांटते हुए कहता है कि यू के बारे में उल्टी सीधी बातें मत बनाओ क्योंकि वो तुम लोगों से ज्यादा टैलेंटेड है और अब वो मेरी बीवी भी बनने वाली है। ये सारी चीजें यू भी साइड में खड़ी होकर सुन रही थी, जिसके बाद हान उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मेरी वजह से लोग तुम्हें टीज कर रहे हैं, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। जो सुनकर यू शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब हान उसका पीछा छोड़ देगा। अगले सीन में हम यू को उसके घर पे देखते हैं जहाँ वो हान के बारे में ही सोचे जा रही थी। तभी डोरबेल बजती है तो यू जाकर देखती है कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर आए हुए थे। अब सडनली अपने पेरेंट्स को देखकर वो काफी शॉक हो जाती है और यहाँ उसकी मदर उसके घर की हालत देखकर उसे काफी खरी खोटी सुनाती है क्योंकि यू अपने घर की बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं करती। जिसके बाद उसके पेरेंट्स यू के साथ हान के बारे में भी बात करते हैं क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता चल गया था कि यू हान के साथ शादी करने वाली है, लेकिन यू इन्हें सारी बात सच सच बता देती है कि ये सिर्फ एक फेक मैरिज है। ये पता लगने पर उसके पेरेंट्स काफी शॉक हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।